everyone. Let's begin with the part second of chapter first, how the camel got his hump. इसका part first हमने कर लिया है. अब second part की बात करते हैं. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? याद होगा आप लोगों को, video देखा होगा आप लोगों ने. ठीक है, तो ये है हमारा part second. इसमें camel की बात होती है जो बहुत lazy होता है, जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है. ठीक है, और है ना वो सिर्फ उससे जब भी कोई बात करने की कोशिश करता है तो वो एक ही आंसर देता है, हम्प. और हम्प का मतलब क्या होता है? कुबड़. जो ऊँट के ऊपर जो कुबड़ होती है ना, लंप, उसको हम हम्प बोलते हैं. ठीक है, अब इस पार्ट सेकंड में क्या होगा? द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प. रेमोन्स्ट्रेटेड मतलब टू कंप्लेन, शिकायत करना. अब है ना, जब जो हॉर्स और डॉग और ऑक्स थे ना, उन्होंने क्या एक आदमी से कैमल की शिकायत कर दी थी. ठीक है, और जो जिन था ना, वो हवा में घूमते घूमते ये सारी चीजें वो सुन रहा था. फिर वो हॉर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या बात हो गई. फिर हॉर्स उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करता है. फिर जो जिन है वो कैमल के पास जाता है. ठीक है, और कैमल से जो शिकायत आई है कैमल की, उसके पास वो चीज वो कैमल को बताता है. ठीक है ना, तो रेमोन्स्ट्रेटेड मतलब टू कंप्लेन, शिकायत करना. ठीक है, द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प. फिर क्या होता है, कैमल की जो पहले बैक थी ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट थी. ठीक है, जो कैमल होता है ना, उसकी बैक पहले स्ट्रेट थी. ठीक है, फिर क्या होता है, सडनली जो कैमल की जो बैक है उसके ऊपर एक लंप आ जाता है. ये चीज, इसको हम बोलते हैं हम्प. ये जो है ना कुबड़, इसको हम बोलते हैं हम्प. और लंप, लंप भी हम इसको बोल सकते हैं, हम्प और लंप. ठीक है, तो ये क्या है, कैमल की कुबड़ है. तो फिर क्या होता है, उसकी प्लेन सुंदर बैग थी, उसके ऊपर सडनली एक हम्प आ जाता है. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. Hindrance मतलब बाधा. जो जिन है ना, जब देखो कैमल के ऊपर हम्प आ जाती है तो वो कैमल बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है कि ये चीज क्या है, क्योंकि उसको तो वो हैबिचुअल है नहीं उस चीज के साथ रहने के लिए. फिर जिन उसको एश्योरिटी देता है कि ये जो हम्प है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा. इंस्टीड ऑफ दैट, दिस हम्प विल हेल्प यू. ये हम्प आपकी हेल्प करेगा. ठीक है, ये हम्प आपके लिए कभी भी बाधा नहीं बनेगा. हिंड्रेंस मतलब बाधा, कोई भी बैरियर नहीं बनेगा, ये हमेशा आपकी हेल्प करेगा. तो ये है हमारी छोटी सी समरी की इस पार्ट में है क्या. नाउ लेट्स मूव ऑन. लेट्स स्टार्ट. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool water. फिर जो जिन है ना, देखो ये जो आपको धुआं दिख रहा है साइड में, जो क्लाउड दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डस्ट क्लॉक. फिर जो जिन है अपने डस्ट क्लॉक में डेजर्ट का एक वॉक ले रहा था. ठीक है ना, फिर वो क्या देखता है कि जो कैमल है ना, वो अपने आप को नदी के अंदर देख रहा है. क्यों? क्योंकि कैमल के पास एक हम्प आ गई, तो कैमल अपने आप को नदी में देख रहा है. तब जो जिन है, जब वो घूम रहा था अपने डस्ट क्लॉक के साथ, तो वो इस चीज नोटिस करता है कि जो कैमल है वो नदी में अपने आप को देख रहा है. माय फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स This I hear of your doing no work. फिर जो जिन है वो कैमल के पास जाता है, वो उसको बोलता है माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. फिर जिन उसके पास बैठ जाता है with the chin in his hand, मतलब ऐसे हाथ करके दिख रहा है ना, वो कैमल के पास बैठ जाता है. जब कैमल अपने रिफ्लेक्शन वाटर में देख रहा होता है ना, तो जिन उसके पास जाके हाथों को अपने चिन के पास रख के बैठ जाता है, और जिनको वो कैमल को देखता है. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. फिर
ये जो जिन है वो कैमल को बोलता है कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग हर तुम्हें तीन काम दिए जाते हैं, हर मंडे मॉर्निंग को तुम्हें तीन काम करने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे आइडल आइडलनेस को मतलब आइडलनेस मतलब क्या होता है लेजीनेस, आइडलनेस मतलब लेजीनेस, तुम्हारे आलस को देखकर तुम्हें मंडे को हर मंडे मॉर्निंग को तीन काम करने पड़ेंगे. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और फिर से वो जो जिन है वो अपना हाथ यहाँ रख के फिर से वो किसी गहरी सोच में चला जाता है. लेट्स मूव ऑन. हम सेड द कैमल, फिर से वही कैमल की आदत स्टार्ट हो जाती है. वो बोलता है हम आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू. जो जिन है वो कैमल को ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हम्प हम्प वापस नहीं बोलता, मैं ये चीज मुझे ये चीज वापस नहीं बोलनी चाहिए थी. यू माइट से इट वांस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क. फिर जिन उसको बोलता है कि तुम ये चीज काफी टाइम में एक बार बोल सकते हो, ठीक है, आई वांट यू टू वर्क, मैं चाहता हूं तुम काम करो. And the camel said hump again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. फिर से camel hump बोलता है, लेकिन जैसे जैसे camel अपने आप को notice कर रहा था ना, वो river में अपने reflection देख रहा था, उसने अपने ऊपर hump देखा, so he was feeling proud कि मेरे back में एक lump आ गया है, so he was feeling proud for that. Because of his back puffing up, ठीक है? Do you see that? Said the jinn. That's your very own hump that you have been brought upon your very own self by not working. Jinn उस कैमल को बोलते हैं कि क्या तुम ये चीज देख सकते हो, ये अपना खुद का हम्प, ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुमने काम नहीं करा था ना, इसलिए ये हम्प तुम्हारे ऊपर आया है, ठीक है? Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. आज Thursday हो गया और मंडे से तुमने कोई भी काम नहीं करा है. अब तुमको काम करना पड़ेगा. तुम्हें काम करना शुरू करना पड़ेगा. How can I? Said the camel. With this hump on my back. फिर camel बोलता है कि मेरे back पे जो hump है, इससे मैं काम कैसे करूँगा? उसको लगता है कि ये बहुत heavy है, तो उसको ना problem आएगी काम करने में. ठीक है, वो पहले भी कौन सा काम करता था? That has a purpose. फिर जो जिन है ना वो उसको बोलता है कि जो तुम्हारे ऊपर हम्प है ना, इसका एक लक्ष्य है, इसका एक रीजन है. वो रीजन क्या है हम देखते हैं. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. जिन कैमल को बोलता है कि तुमने 3 दिन का काम मिस कर दिया, तो अब क्या होगा, तुम 3 दिन के लिए काम करोगे तो तुमको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी बिकॉज ऑफ दिस हम्प. ये हम्प तुम्हें हेल्प करेगा. स्टार्टिंग में क्या चीज जो मैंने समरी बताई थी, जो उसमें क्या था, दिस हम्प विल नेवर बी अ हिंड्रेंस, ये हम्प तुम्हारी कभी बाधा नहीं बनेगा. तो यही चीज जिन कैमल को समझा रहा है कि जब तुमने 3 दिन का ऑफ ले लिया, तुमने 3 दिन कोई काम नहीं करा, लेकिन अब जब तुम 3 दिन लगातार काम करोगे ना, तो तुमको ना भूख लगेगी, तुमको ना प्यास लगेगी, तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ काम में लगा रहेगा बिकॉज ऑफ दिस हम्प, ठीक है? एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, ठीक है? और फिर जिन उसको बोलता है कि ये चीज तुम कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा, बाहर आओ और बाहर आओ तीनों और बिहेव करो, ठीक है? And the camel went away to join the tree. And from that day to this, the camel always wears a hump. फिर क्या होता है? सब लोग समझ जाते हैं क्योंकि पहले क्या इनमें लड़ाई चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी. फिर जिन ने क्या करा, उसके ऊपर हम्प ला दी और हम्प की वजह से वो चीज़ जो कैमल था वो इजीली वर्क कर पा रहा था, ठीक है? और फिर पूरा ये सब होने के बाद जिन उन सबको बोलता है कि तुम ये चीज़ कभी मत बोलना कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करा, अब तुम सब बाहर आ जाओ और बिहेव, डिसिप्लिन में रहो, बिहेव करो, ठीक है? फिर क्या होता है, कैमल आ जाता है और कैमल उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है. उस दिन से जो कैमल है हमेशा हम्प उसके ऊपर रहती है. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स.
और अब पहले क्या हम्फ, HUMPH, दिस साउंड्स एज हम्फ, बट अब हम इसको हम्प बोलते हैं ताकि उस कैमल के फीलिंग्स हर्ट ना हो, बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, यही चीज उस कैमल के साथ हुई थी. वो कभी भी उन तीनों के साथ, डॉग, हॉर्स और ऑक्स के साथ उसका रिलेशनशिप सही बना ही नहीं, और उसने बिहेव करना भी नहीं सीखा. मतलब हम होने के बावजूद भी उससे ये चीज हुई ही नहीं. ही वॉज अनेबल टू कोप अप विद दैम एंड ही वॉज अनेबल टू डू हिज वर्क, ही वॉज अनेबल टू बिहेव. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस. ये 4 क्वेश्चंस है, मैं पढ़ूंगी वर्बली, आप लोगों को बताऊंगी. आप लोगों का होमवर्क है, ये सारे 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं. ठीक है, और इनके आंसर्स ऊपर जो पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर सारे आंसर्स दे रखे हैं. सो यू गाइस जस्ट नीड टू चेक ऑन. फर्स्ट वन इज द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? जो कैमल है अपनी खुद की रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा था, तो इस चीज से आपको क्या पता चलता है? आपके सजेशंस दो इस चीज पे. ठीक है, वही इसका जो फर्स्ट पेज था, सेकंड पार्ट का फर्स्ट पैरा, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. यू जस्ट नीड टू रीड इट आउट. द कैमल सेड हम रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? सेकंड क्वेश्चन है, कैमल हमेशा रिपीट ऑन रिपीट बेसिस, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हम हम करता रहता था, ये चीज उसको कैसे अफेक्ट करती थी? इसका रीजन क्या है, वो हम हम क्यों करता रहता था? रीजन भी चैप्टर में है. व्हाट अकॉर्डिंग टू जेन वाज द यूज ऑफ हम्प? जिनके अकॉर्डिंग हम्प का यूज क्या था? इजी है, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा. ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस. व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? अभी तक कैमल ने बिहेव करना नहीं सीखा. ये लाइन राइटर ने क्यों बोली? आपका ओपिनियन क्या है इस लाइन पर? ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, मैंने समझा दिया इन क्वेश्चंस में क्या है, इनके आंसर आपको चैप्टर्स में मिल जाएंगे. यू गाइस नीड टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस. ऑलराइट, दिस इज योर होमवर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.